फरुखाबाद में गंगा और राम गंगा की बाढ़ से मचा हाहाकार, लगभग 100 गांव में घुस गया है पानी। गंगा और राम गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से अब ऊपर पहुंच गया है, जिससे लगभग 100 गांव बाढ़ से घिर गए हैं। प्रशासन राहत सामग्री बांटने और निगरानी करने में जुटा हुआ है। गंगा और राम गंगा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गई है और निचले इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। करीब 100 गांव में बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। अर्जुनपुर के रोड पर पानी चलने से हरदोई से आवागमन इस समय बंद हो गया है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन की टीमें इस समय अलर्ट मोड पर हैं और निगरानी की जा रही है, जिसके साथ राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। शमशाबाद क्षेत्र के गांव पैलानी दक्षिण के पास शासन द्वारा कटान रोकने के लिए बनाई गई परकोपाइन के पास ही गंगा की बाढ़ का कई फुट पानी चलने लगा है, जिससे परकोपाइन थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है और मिट्टी कटने से तेज बहाव से पानी बहने लगा है, जिससे पैलानी दक्षिण के बाढ़ पीड़ित भयभीत हो गए हैं। कटान होने के कारण बाढ़ का पानी तेजी से गांव के अंदर घुस गया है और गंगा उफनाने से कटरी के कई गांव सहित नगर की सीमा पार करके बाढ़ का पानी खेतों तक पहुंच गया है। कटरी इलाके के गांव हरसिंहपुर, साधुसराय, बाजितपुर, सहदपुर, पिस्तौर, जमुनियन नगला, ढाईघाट, समैचीपुर चितार, पैलानी दक्षिण, बांसखेड़ा, मुंशी नगला, भगवानपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। अब बात शाहजहांपुर मार्ग पर चौरा के सामने कई फीट पानी की करते हैं, जिसमें पानी सड़क पर भरने के कारण एसडीएम कायमगंज ने नायाब तहसीलदार को भेजकर वाहनों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। थाना अध्यक्ष को नजर बनाए रखने के वहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। शमशाबाद थाना पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर वाहनों को रोक दिया है और दो पहिया वाहन चालक नाव व स्टीमर से अवैध वसूली करने में लगे हैं और दिन में 50 रुपए, शाम को 200 रुपए राहगीरों से वसूले जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने प्राइवेट स्टीमर चालकों को बंद करवाने की मांग की है और प्रशासन द्वारा निःशुल्क चलने वाले स्टीमरों को ही सड़क किनारे लगाए जाने की व्यवस्था करने के लिए कहा है। आधा दर्जन गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए गांव से आने जाने के लिए नाव लगाई जाएं, नाव के सहारे बाढ़ पीड़ित बाजार तक पहुंच पाते हैं। गंगापार क्षेत्र के चित्रकूट में बदायूं रोड पर भी पानी चल रहा है और इधर से आवागमन रोक दिया गया है। रास्ता बदल कर लोग निकल रहे हैं। राम गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से राजपुर से चपरा के रोड पर 2 फुट से अधिक पानी चल रहा है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। ये हाल लगभग गंगा और रामगंगा की तलहटी में गांव जितने भी बसे हैं उन गांव का लगभग यही हाल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, UPTV न्यूज, फरुखाबाद।